पाक आर्मी एविएशन का छोटा तैयारा रावलपिंडी के करीब गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक दो पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद, 12 शहरी भी जान से गए, 12 जख्मी हुए। हालत तश्वीशनाक, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिस। तैयारा मामूल की तरबियती परवाज के दौरान रिहायशी आबादी में गिरा, 4 से 5 घरों में आग लग गई। जाए हादसा पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। हादसा कैसे पेश आया जानने के लिए तहकीकाती टीम ने शवाहिद जमा कर लिए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वफाकी मुलाज़मीन हाउसिंग अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी और ख़वातीन से मुताल्लिक़ क़ौमी कमीशन के चेयरपर्सन की मंजूरी 16 निकाती एजेंडे में शामिल। पाक पतन नाराजगी केस, एंटी करप्शन की नवाज शरीफ से जेल में तफ्तीश। इससे कबल नैब की टीम भी नवाज शरीफ से जेल में तफ्तीश कर चुकी। नवाज शरीफ पर बतौर वज़ीर आला ज़मीन की गैर कानूनी अलाटमेंट का इल्ज़ाम है। कराची में मॉनसून का सिस्टम कमजोर, कई इलाकों में हल्की तो कहीं तेज बारिश जारी। शाम में तेज बारिश का इम्कान, सड़कों पर पानी जमा, अंडरपासेस में पानी भर गया, घरों में पानी दाखिल, बिजली भी गायब। के इलेक्ट्रिक का बोसीदा निजाम, मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम। करंट लगने से 2 बच्चों समेत 9 अफराद जां बहक। कराची मवेशी मंडी में सैलाब आ गया, बारिश के बाद कीचड़ में लतपत, कुर्बानी के जानवर खुले आसमान तले मौजूद। व्यापारी सख्त परेशान, नॉर्दर्न बाईपास की खोजा कॉलोनी में डेयरी फार्म्स की भैंसे पानी में डूब गईं। डेयरी फार्मर्स हुकूमती इकदामात के मुंतजर। अंदरूनी सिंध में बारिश से जल थल एक, हैदराबाद और ठट्ठा में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कों पर पानी जमा। शहर में आज भी तेज बारिश का इम्कान, थर में भी बारिश के बाद हरियाली लौट आई। सूखे नालों में पानी बहना शुरू हो गया। सिंध में आज भी बादल बरसेंगे। बालाई और वस्ती पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान।